ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. गेल्या 61 दिवसापासून दररोज 45 किलोमीटर नियमितपणे धावून विश्वविक्रम करून डोंबिवलीचे नाव जगभरात पोहोचविणारा डोंबिवलीकर उत्साही युवक विशाख कृष्णस्वामी यांनी आज सकाळी 8 वाजता विश्वविक्रम केलाय. त्याचे अभिनंदन करण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त भाऊसाहेब दांडगे यांनी उपस्थित राहून त्यांनी विशाखचे अभिनंदन केले. महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाने 2 मिनिटे सायरन वाजवून विशाखच्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डला अभिवादन दिले. ढोलताशा बँड आणि टाळ्यांच्या आवाजात विशाख विशाख असा जल्लोष सर्व डोंबिवलीकर करत होते. याप्रसंगी विशाख कृष्णस्वामींची आई देखील स्टेजवर उपस्थित होती. या कौतुक सोहळ्यात विशाखने यापुढे देखील नियमितपणे 45 किलोमीटर अंतर 100 दिवसापर्यंत धावून आणखीन काही जागतिक विश्वविक्रम पूर्ण करण्याचा मनोदय उपस्थितांसमोर व्यक्त केला. खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनच्या वतीने विशाखचे कौतुक अभिनंदनाचा सोहळा पार पाडण्यासाठी आकर्षक स्टेजची तसेच रंगीबिरंगी फुग्यांच्या अंतिम रेषा गेटची व्यवस्था करण्यात आली होती. या कार्यक्रमास डोंबिवलीतील क्रीडा क्षेत्रामधील लहान मुलांपासून तरुणांपर्यंत शेकडो लोक व क्रीडा क्षेत्रातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी होऊन विशाखचे अभिनंदन करून त्याला शुभेच्छा दिल्या. विशेषतः रनर्स क्लॅन या संस्थेचे सदस्य, रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली, संत सावळाराम क्रीडा संकुलातील सर्व सदस्य, कल्याण डोंबिवली स्पोर्ट टीचर युनियनचे पेंढारकर कॉलेजचे नाईक सर, क्रीडा संवर्धिनी केरळा समाजचे माजी अध्यक्ष प्रदीप नायर व सदस्य सेठ जोसेफ, शाळेचे बँड पथक, श्रीमंत ढोलताशा पथक, क्रीडा संकुलात येणाऱ्या पोलीस भरती प्रशिक्षण घेणारे शेख सर व त्यांची सर्व प्रशिक्षणार्थी असे शेकडो डोंबिवलीकर या अभिमान सोहळ्यात उपस्थित होते. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे नियोजन शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख राजेश कदम यांनी केले असून याप्रसंगी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे ज्येष्ठ नगरसेवक आणि काँग्रेसचे पदाधिकारी संतोष केने, माजी सभापती प्रदीप हाटे तसेच माजी नगरसेवक प्रकाश माने, बाळासाहेबांचे शिवसेना युवा सेनेचे डोंबिवली शहर प्रमुख सागर जेधे, शहर पदाधिकारी दीपक भोसले, प्रथमेश खरात, कौस्तुभ फडके आदी मान्यवर उपस्थित होते. रनिंग 7 साल पहले रनिंग करता मैं ये इंस्पिरेशन मुझे टेलीफॉक्स की बंदी के नाम से जो कैनेडा में उनका एक फ्रेंड था और उन्होंने कैंसर रिसर्च के लिए उनका पैसा जमा करके उन्होंने खुद से रन किया. उनको देखिए मुझे इंस्पिरेशन मिला वो चीज़ तो मैंने भी फिर नेक्स्ट टाइम भी मैराथन में पार्टिसिपेट करूँ. फिर मैंने 5K, 10K, 20, 50 अल्ट्रा मैराथन ऐसे किया. तो मुझे पता चला ये मेरा जो स्पेशलिटी है मैं अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा अच्छा हूँ जबकि मैराथन में स्पीड से रहता है. तो मैं एंड्योरेंस पे ज़्यादा फोकस किया और इससे पहले मेरा एक रिकॉर्ड हो गया वर्ल्ड कप में जिसमें बैरफुट रनिंग किया विदाउट शूज 21 डेज 21 हाफ मैराथन KDMC पे ग्राउंड पर ही इसका ये हो गया था. एंड देन उससे मैंने गिनीज पे अप्लाई किया 42 फुल डेज मैराथन. तो उन्होंने मेरा 3 मंथ्स का एप्लीकेशन अप्रूव किया. देन उन्होंने बोला आप September 1st को स्टार्ट कर दो. तो September 1st को चले गए. अभी जरा 61 डेज कम्प्लीट हो चुका है एंड जो करंट रिकॉर्ड 60 डेज का था तो मैंने उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया. उनका ले लीजिए राइट. एंड ये GPS में ट्रैक होता है थोड़ा. तो ये कैसे ट्रैक हो रहा था जो GPS में उनको KML5 भेजना पड़ता है. तो उसमें कैसा आपका जितना डिस्टेंस है लोकेशन सब दिखता है उसमें. एंड उसके अलावा लॉग बुक दिया हुआ डेली विटनेस साइन करते हैं. अभी जो डेली विटनेस यहाँ पर है लक्ष्मण काले एंड अल्पेश मंजर की सी है तो डेली वो साइन करते हैं विटनेस के लिए एवरी डे. अभी कैसा लग रहा है आपको अपने सेकंड टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड पे? बहुत बढ़िया. एक्चुअली मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ और 5-6 दिन ताकि बड़ा रिकॉर्ड रहे. आगे चल के क्या करना चाहिए? आगे चल के मेरा अभी 10 किलोमीटर का प्लान है. 10,000 किलोमीटर से 120 जिमी करने का प्लान है मेरे. इसमें डेली 84 का टारगेट है. मैं तो अभी नहीं करूँगा, 1-2 साल टाइम दूंगा उसको. क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? आह्वान क्या करोगे लोगों को? मैं चाहता हूँ कि लोग और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस वाले लोग आए साथ में रनिंग करे और थोड़ा मोटिवेट करे लोगों को कि मैं अकेला रनिंग कर रहा हूँ बट नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरे अलावा इस बार बंदी रन करना रहेगा तो वो रनिंग कर सकते हो जिस उसके लिए मोटिवेशन चाहिए था आपको. तो क्या मोटिव था यानी आपने ये स्टार्ट किया उसको? उसके पहले मेरा मोटिव था कि मुझे फिटनेस के लिए इम्प्रूव करना था लोगों को हेल्थ के बारे में बताना था कि रनिंग करना चाहिए डेली. एज एन रनिंग एक चीज़ नहीं कि आपको एक्सरसाइज नहीं है, आपको एक आपका हैबिट है वो रनिंग. आपको डेली रनिंग करना ही चाहिए मिनिमम 5 या 2 किलोमीटर जैसा आपको लगे वैसा करना चाहिए आपको. कुणाल म्हात्रे, स्वानंद मीडिया, कल्याण. श्री पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय प्रेस.
हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरुजी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर, बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है, एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा। आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, पेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं। शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहू में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति, विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का ए टू जेड समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु जी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरु जी को आज ही अवश्य मिलिए। श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा। पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं। पता: साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डॉबीवेली वेस्ट, मुंबई। फोन नंबर 9663296566।